एग्ज़ाम से 30-40 दिन पहले हम सभी को तलाश होती है कि कैसे मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसी ही तलाश मुझे भी थी एंड उस टाइम पे मैंने पहली बार वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट करे थे उन कॉन्सेप्ट्स के जो मुझे याद करने थे। ये सबसे पहले मैंने CA फाउंडेशन के टाइम पर ट्राई किया था और मुझे पता नहीं था कि इसका कोई प्रॉपर टर्म एंड तरीका होता है। इसे एक्चुअली ऑडिटरी लर्निंग बोला जाता है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, वॉइस नोट्स के थ्रू तुम एटलीस्ट 40% टाइम सेव कर पाओगे विद द नेक्स्ट 30-40 डेज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये टाइम वहां सेव होगा जो टॉपिक्स तुम्हें टफ लगते हैं या फिर इजीली समझ नहीं आते। अब इससे पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें ये चीज करनी है कि नहीं करनी, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। पता है बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है इस बात पे एंड एटलीस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन यानी 1/3 लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, यानी वो बेटर रिटेन कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को सुन के रादर देन पढ़ के। बट क्योंकि हमने कभी ये तरीका ट्राई किया नहीं होता और ना ही ये मेन स्ट्रीम तरीका है, तो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता और हम लोग सिर्फ पढ़ पढ़ के अपना काम चलाते हैं, नेवर नोइंग कि अगर हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सुन के याद करते तो कितना बेटर वे में रिटेन कर पाते। अब करना क्या है एग्जैक्टली कि सबसे पहले ये देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, लाइक फॉर्मुलेज एंड ऑल। देन इस कॉन्सेप्ट में जो भी चीज़ तुम्हें याद करनी है उसको अपनी आवाज़ में आराम से अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऐप में रिकॉर्ड कर लो। एंड इस चीज़ को ध्यान रखो कि इस चीज़ को करने का कोई सही गलत तरीका नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या याद करना है और किस टोन में उसे रिकॉर्ड करना है। ये वॉइस नोट्स आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बना रहे हो, तो ऐसा मत करना कि आज पट फटाफट जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया एंड तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ जो 10 दिन बाद इनको सुनेगा उसको कंफ्यूज्ड है कि भाई ये बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो आज तो तुम्हें सब कुछ ध्यान है बिकॉज तुम्हारे सामने बुक रखी हुई है, पर तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के सामने ये सब नहीं होगा, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आराम से रिकॉर्ड करना सो दैट फ्यूचर सेल्फ को समझ आ जाए। एंड साथ में ये भी मेंशन करना कि ये टॉपिक बुक में या फिर नोट्स में कहाँ पर है, सो दैट कल को वॉइस नोट सुनते हुए तुम्हें उस टॉपिक को पढ़ना है या कोई चीज़ रेफर करनी है तो तुम्हें पता हो कि ये टॉपिक है कहाँ पे। एंड साइमल्टेनियसली अपने नोट्स में भी उस रिकॉर्डेड फाइल का नाम लिख देना सो दैट पढ़ते टाइम अगर तुम्हें रेफर करना हो तो तुम्हें वो फाइल ईजिली मिल जाए। सो रिकॉर्डिंग हो गई, फाइल बन गई, अब तुम्हें इसे सिस्टमैटिक मैनर में बार बार सुनना है। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब है कि तुमने एक बार उसको सुबह सुन लिया, देन दोपहर को एंड एक बार सोने से पहले। ये मत करना कि रैंडमली कभी भी सुन रहे हो जब मन कर रहा है, 2-3 बार सुनोगे ना धीरे धीरे वो तुम्हारे दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम्हें अपनी तैयारी को खतरनाक लेवल पे लेके जाना है यानी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तैयारी लेके जानी है तो फिर वॉइस नोट सुनते ही फटाफट से एक रफ पेपर निकालो एंड जितना तुम्हें याद आ रहा है वो सब कुछ लिख डालो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना पार्ट सॉलिड हो चुका है दिमाग में और अभी कितना बचा है। तो जब तुमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा तब तुम्हारी विजुअल लर्निंग हो गई, फिर उसके बाद सुन के ऑडिटरी लर्निंग हो गई एंड जब तुम लिखोगे तो वो मसल मेमोरी में भी आ गया। तो उसे ट्राई करके देखो भाई, बहुत फर्क पड़ जाएगा। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी तुम कम कर सकते हो डिपेंडिंग कि तुम्हें कितना अच्छे से रिटेन हो पा रहा है। प्लस इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक जगह बैठ के ही सुनना है, तुम घूमते हुए भी सुन सकते हो या फिर चाय कॉफी सिप करते हुए। तो जब पढ़ के थक जाओ तो उसके बाद वॉइस नोट्स पे स्विच कर लो, तो इससे तुम पढ़ते भी रहोगे, एफिशिएंसी भी रहेगी एंड प्रोग्रेस करते रहोगे एंड जिन कॉन्सेप्ट्स में तुम अटकते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठने लग जाएंगे। और हाँ, अपनी आवाज खुद को सुनने में बहुत खराब लगती है, बट बेस्ट रिजल्ट्स तभी आएंगे जब तुम्हारी खुद की आवाज में होगा क्योंकि वो हमारा ब्रेन बेटर रिटेन कर पाता है। तो मेरी आवाज सुनने में कैसी लग रही है, क्या मेरी आवाज इतनी खराब लगती है, ये सब चीजें सोचना बंद कर देना। तो ये चीज जरूर ट्राई करना एंड मुझे बताना क्या फर्क पड़ा। एंड इस चैनल पे आपको ऐसी और छोटी छोटी टेक्निक्स मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, सो मेक श्योर टू हैव अ लुक। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।